यदि आपने अभी तक पेजैप एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर पेजैप वॉलेट एप्लीकेशन में अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। और यदि आपने पेजैप में पहले से अकाउंट बना लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम पेजैप एप्लीकेशन से किन किन तरीकों से किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में पेजैप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें पासकोड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पेजैप वॉलेट एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। वैसे तो इसके डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम लोगों को इसमें देखना है कि हम पेजैप एप्लीकेशन से किसी दूसरे व्यक्ति के पास किन किन तरीकों से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर बीच में देखिए, यहाँ पर लिखा है स्कैन QR कोड टू पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो गया है। हालांकि मेरे पास कोई QR कोड नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस मोबाइल से एक QR कोड का फ़ोटो खींच के रखा है। तो उस QR कोड को स्कैन करने के लिए यहाँ जो गैलरी का सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल में वो QR कोड जहाँ भी होगा उस QR कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम QR कोड सेलेक्ट करेंगे तो वो QR कोड जिस भी दुकान का होगा उस दुकान या फिर दुकानदार का नाम तथा उसका UPI ID दोनों यहाँ ऊपर में दिखाई देगा। नीचे लिखा है अमाउंट, तो अमाउंट में जितना भी आपको डालना है उतना डाल सकते हैं। मैं आप लोग दिखाने के लिए केवल 1 रुपया यहाँ पर डालता हूँ। ये हमारा बैंक अकाउंट जिसे मैंने पेजैप में ऐड किया है। उसके बाद हम यहाँ पे पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है UPI पिन। UPI पिन डालकर राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। छोटा सा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग पेजैप वॉलेट से किसी भी QR कोड को स्कैन करके बिल का पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेट्रोल पंप पे लगे QR कोड को स्कैन करके पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है जहाँ पर लिखा है सेंड मनी, हम इस सेंड मनी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए सेंड मनी में भी 3 ऑप्शन हैं। पहले पर दिया है टू एनी ऐप, जिसके पास आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं यदि वे अपने मोबाइल में गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे या फिर भीम पे किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो उनका मोबाइल नंबर डालकर मोबाइल नंबर के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो मोबाइल नंबर जिसका भी होगा उसका नाम तथा UPI ID दोनों यहाँ ऊपर भी दिखाई देगा। यहाँ लिखा है अमाउंट, अमाउंट में हम अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकते हैं। आप लोग दिखाने के लिए केवल मैं यहाँ पे 1 रुपया टाइप करता हूँ। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है UPI पिन। UPI पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब फिर से हम सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। यदि आप चाहें तो पेजैप वॉलेट से बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैंक नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर SBI को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम नीचे डालेंगे अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे लिखा है री इंटर अकाउंट नंबर, तो हम दोबारा से सेम उसी अकाउंट नंबर को यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर जो भी हम अकाउंट नंबर डालेंगे उस बैंक का FSC कोड यहाँ पर डालना है। नीचे डालना है बेनिफिशियरी का नाम यानी अकाउंट होल्डर का नाम। बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है अमाउंट। मैं आप लोग दिखाने के लिए केवल 1 रुपया टाइप करता हूँ। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे UPI पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब फिर से हम सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में जहाँ पे लिखा है सेल्फ ट्रांसफ़र। यदि आपने पेजैप एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है तो आप चाहें तो उन अकाउंट एक दूसरे का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेजैप एप्लीकेशन में 2 अकाउंट लिंक करके रखा है, तो जिसमें मुझे पैसे ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ नीचे वाला को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें डालना है अमाउंट। मैं यहाँ पर अमाउंट में 1 रुपया डालता हूँ। जिस भी बैंक अकाउंट से आपको ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे अपने इस HDFC बैंक अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर UPI पिन डालकर राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेजैप से हम किन किन तरीकों से किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।
तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।